मन सुबह की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग के सामने शेयर करने जा रही बहुत ही चटपटा और डिलीशियस सूजी का नाश्ता, जो कि आप सुबह या शाम में बना सकते हैं। ये चाय के साथ भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बच्चे लोग को लंच बॉक्स में भी इसे बना के दे सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो हमें इसे बनाने में किन किन चीजों की जरूरत है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सूजी का नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 1 कप सूजी। ये जनरल सूजी है जो घर में होते हैं सभी के, तो इसे हमने अच्छे से छान लिया। और हमें चाहिए 1/2 कप दही, 1 चम्मच हम लेंगे हल्दी पाउडर कलर के लिए, 1 इंच लेंगे हम अदरक का टुकड़ा क्रश किया हुआ, 1 चम्मच काली मिर्च क्रश किया, और 1 चम्मच लेंगे हम रेड चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच लेंगे हम चाट मसाला पाउडर, 1/2 चम्मच लेंगे सफेद तिल, 1 चम्मच लेंगे हम काली, और 1/2 चम्मच लेंगे हम बेकिंग सोडा। अगर आपके पास इनो है तो आप वो भी इसमें यूज कर सकते हैं सोडा की जगह। और साथ ही साथ 1/2 चम्मच लेंगे हम लाल मिर्च पाउडर, नमक लेंगे हम स्वाद अनुसार। और अब हमने लिया है 2 बड़े साइज के टमाटर, जिसको कि हमने मिक्सी के जार में ग्राइंड कर लिया है और इसका प्यूरी बना लिया है। 1/2 कटोरी हमें चाहिए हरा धनिया कटा हुआ, और 1 कटोरी हम लेंगे बारीक कटा हुआ। अब हम सारे चीजों को साइड कर देंगे और चलते हैं अगले प्रोसेस पर। अब हमने लिया है 1 बड़ा सा बाउल और उसमें हम डालेंगे सूजी, और सूजी में हम साथ ही साथ डाल देंगे दही। अब हम दोनों चीजों को अच्छे से चम्मच की हेल्प से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि सूजी को हमने अच्छे से दही में फेंट लिया है, और सूजी है जो दही को पूरा एब्जॉर्ब कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका हम पेस्ट तैयार करेंगे। तो करीब हमने 2 से 3 चम्मच इसमें पानी डाला है, और देख सकते हैं कि जो हमारा पेस्ट है वो थोड़ा सा फूल चुका है। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स करके और 1/2 घंटे के लिए ढक के छोड़ देंगे, ताकि सूजी है वो अच्छे से फूल जाए। तो 1/2 घंटा हो चुका था, देख सकते हैं कि जो सूजी है बिल्कुल फूल चुका है। तो अब हम इसमें थोड़े से पानी और ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छा सा बैटर तैयार। तो यहाँ पर हमने 2 से 3 चम्मच और पानी ऐड किया है इसमें, और अच्छे से हम इसे मिक्स करते जाएंगे चम्मच से, और साथ ही साथ इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा, और उसे भी हम मिक्स कर लेंगे, और साथ ही साथ इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे करीब 1/2 चम्मच। तो सारी चीजों को हमने मिक्स कर लिया है, और मिश्रण देख सकते हैं कि ना कड़ा है और ना ही ज्यादा पतला है। तो हमें इस तरह से मिश्रण चाहिए, जिस तरह से हम इडली का बैटर तैयार करते हैं उससे थोड़ा सा हमें गाढ़ा चाहिए। तो बैटर हमारा तैयार है, अब चलते हैं इसे बना। तो गैस ऑन करके हमने पैन चढ़ाया है, और पैन को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। अब उसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच कुकिंग ऑयल, इसमें ज्यादा तेल की जरूरत नहीं है, और ऑयल को हम अच्छे से ब्रश से फैला देंगे। तो पैन हमारा परफेक्ट गर्म हो चुका है, गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो ही रखेंगे, और इस छोटे छोटे जो बॉल्स है वो हम इस तरह से रखते जाएंगे हाथों से, जिस तरह से हम बरी बनाते हैं ना, उसी तरह से हम इसे बनाना है। और थोड़ा सा आप डिस्टेंस पे रखिएगा, क्योंकि जब ये कुक होंगे तो ये और भी फूलेंगे। तो इस तरह से छोटे छोटे बॉल्स हमने पूरे पैन में देखिए बना दिया है, और इसके बाद इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर दें। तो यहाँ देख सकते हैं कि 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसे कवर कर दिया था, इससे ये बहुत ही फूल गए हैं, फ्लफी भी हो गए हैं। अब इसे दूसरे साइड से भी हम पलट देंगे, तो बहुत ही आसानी से देख सकते हैं कि दूसरे साइड कुक हो गए हैं और कितने क्रिस्पी बने हैं। इसका जाली आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इडली की तरह जाली बने हुए हैं। तो इसे हमें दोनों साइड से ही कवर करके कुक करना है। फिर से हमने इसे कवर कर दिया है, और बाकी के जो है इसी तरह से हम दोनों साइड से कुक करके निकालते जाएंगे एक प्लेट में। तो यहाँ देख सकते हैं 1 प्लेट हमने इसे निकाल लिया है, और बाकी के जो मिश्रण है उसी तरह से हम इसमें छोटे छोटे बॉल्स तैयार करेंगे, फिर इसे हम कवर कर देंगे, और इसके बाद इसे हम दूसरी तरफ से भी पलटते जाएंगे। तो सभी हम इसी तरह से टिक्की बना लेंगे। तो हमारे जो इडली का नाश्ता है वो परफेक्ट तैयार हो गया है। आप इसे चाहे तो इस तरह से बिना फ्राई किए हुए भी खा सकते हैं टोमेटो सॉस या हरी चटनी के, लेकिन मैं इसे और भी चटपटा बनाने वाली हूँ। तो उसके लिए हम फिर से वही पैन में 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे। तो यहाँ हमने रिफाइन ऑयल का यूज किया, तो यहाँ ऑयल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे, और उसके बाद इसमें जो राई हमने रखा था वो राई, और सफेद तिल, अदरक रस किया हुआ, सारी चीजें हम डाल देंगे, और फोरन को हम चटकने देंगे। जैसे ही फोरन चटकने लगेगा हम इसमें डाल देंगे कटा हुआ बारीक प्याज, और उसे भी हम फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक।
तो यहाँ प्याज भी हमारे अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम बाकी के जो सूखे मसाले थे वो डाल देंगे, जैसे कि हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, नमक, तो सारी चीजें हमने इसमें डाल दिया है। और इसके बाद हम इसमें टोमेटो प्यूरी डालेंगे और उसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। टोमेटो प्यूरी को हम एक से दो बार इस तरह से मिक्स करेंगे, उसके बाद इसे हम कवर करके कुक करेंगे। तो यहाँ हमने टोमेटो प्यूरी और मसाले को अच्छे से कवर करके कुक कर लिया है, देख सकते हैं उसका पानी जो है अच्छे से सूख गया है। तो अब हम इसमें जो बाकी के जो हमने बॉल्स बनाए थे वो डाल देंगे और उसे अच्छे से मिक्स कर लें। और साथ ही साथ इसमें हमने धनिया पत्ती भी डाल दिया है और उसे भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो जितने हमने सूजी के बॉल्स डाले थे वो सारे हम मसाले में इस तरह से मिक्स करते जाएं। तो यहाँ हमने एक से दो मिनट तक मसाले के साथ अच्छे से सूजी के बॉल्स को कुक कर लिया है। अब इसे हम कवर कर दें। तो करीब हमने एक से दो मिनट तक इसे कवर करके भी कुक कर लिया है। अब हमारे जो सूजी के बॉल्स है वो अच्छे से परफेक्ट तैयार है सर्व करने के लिए। ऊपर से थोड़े से हम इसमें धनिया पत्ती भी डाल देंगे और इस तरह से हम एक प्लेट में सर्व करेंगे। तो हमारा जो चटपटा नाश्ता है वो परफेक्ट बन करके तैयार है। घर में सभी को पसंद आने वाली रेसिपी है। अगर मेरी वीडियो जरा सा भी पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। और जो मेरे चैनल में न्यू विजिट कर रहे हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने फैमिली मेंबर दोस्तों में जितना हो सके शेयर कीजिए। बेल आइकन का घंटी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।